हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिशान खान। वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रो। हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी इस ट्रांजिस्टर के ऊपर, जिसमें हमने देखा था कि हमने इसे ऑक्स केबल से चलाया था और इसमें गाने प्ले करके देखे थे। पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे इसे ब्लूटूथ बना सकते हैं, मतलब इसे ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सामान वही है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। देखिए, ये ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि इन्हें जैसे वैसे कनेक्शन करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही कनेक्शन है। बस ऑक्स के कनेक्शन चेंज है इस बार, कि ऑक्स की जगह हम लोग ब्लूटूथ स्पीकर का मॉड्यूल जो यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, हम जल्दी से फिर इसके दोबारा कनेक्शन देख लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए, ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके सर्किट को बनाना सीख सकते हैं। तो आप लोग बाहर से स्पीकर ले आते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग सोचते हैं यार इतना महंगा स्पीकर है, ख़राब हो गया। तो ये छोटे से सर्किट और एक छोटा सा आईसी का यूज़ करके आप लोग बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता चीप रेट का पड़ेगा। और ये अगर आपको ख़राब हो जाएगा तो आप इसे दोबारा रिपेयर करना सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई इसमें ये तार टूट गया, इसे दोबारा रिपेयर कर दूंगा। देखिए, ये वही सर्किट है, ये वही आईसी है जिससे मैं बात कर रहा था, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। तो देखिए, ये छोटा सा ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो जल्दी से इसमें तार वार जोड़ लेते हैं जल्दी से। देखिए, ये मैं दो तार ले लेता हूँ। ये देखिए, मैंने दो तार लिए हैं, इन दोनों तारों को पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जोड़ देना है। फ्रेंड्स, ये 5 वोल्ट से चलती है, आप चाहें तो इसे बैटरी से कनेक्ट करके चला सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ करके उससे चला सकते हैं। मैं इसमें इसे 5 वोल्ट के चार्जर से यूज़ करके चलाऊंगा, क्योंकि बैटरी लगाएंगे तो ये होगा कि रिचार्जेबल हो गई, आपकी कहीं पर भी ले जाइए बजाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये मैं इसमें देखिए मैंने तो फ्रेंड्स देखिए, वो जो मैंने सर्किट बनाया था जो ट्रांजिस्टर का यूज़ करके, ये रहा। इसमें मैंने हीट सिंक पहले से ही लगा दिया है, तो हीट सिंक लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हीट सिंक नहीं होगा तो ये ट्रांजिस्टर मतलब हीट हो जाता है जल्दी से, फिर हीट सिंक लगा रहता है तो ये लंबे समय तक चलने में मदद करता है, वरना ये ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, इसको इन दोनों लेगों के साथ जोड़ देना है, जो कि एक ट्रांजिस्टर की साइड वाली लेग है और एक कैपेसिटर की साइड वाली लेग है। देखिए, ये मैंने जोड़ दिया है। उसके बाद हम लोग लेंगे एक स्पीकर। इस वीडियो में मैं एक बड़ा स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, देखिए इस स्पीकर को इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखिए, इन दोनों के जो ये दोनों वायर्स हैं, इसको जोड़ देते हैं फटाफट और मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए, एक तो ये बीच वाले हिस्से में लगेगा, जो इसके ट्रांजिस्टर के बीच वाला हिस्सा है, इसमें मैं लगा देता हूँ। देखिए, एक तो मैंने ये इसके बीच वाले, अरे ये निकल कैसे गया, दोबारा से मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इसे टाइटली सोल्ड करना है, वरना देखिए जैसे मेरा वाला निकल गया था वैसे आपका वाला निकल जाएगा, तो आप सोचेंगे लग रहा है ख़राब हो गया ये। तो इसे टाइटली सोल्ड करने के बाद देखिए, इसको एक हमने इसके साथ जोड़ दिया है। अब देखिए, इसको भी जोड़ देते हैं फटाफट से एक और वायर लेके, जो कि इसका ग्राउंड वायर है जिससे हमने बैटरी से पावर दे रहे हैं इसमें। देखिए, इसको भी मैं इसके नेगेटिव के साथ जोड़ देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जोड़ दिया और उसके बाद ये हमारा पूरा सर्किट बन के तैयार है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ बैटरी से कनेक्ट करना है और अपने फ़ोन से सॉन्ग प्ले करके मज़े लेने हैं बस। तो जल्दी से इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं फटाफट से। और ये देखो, मैं तार हटा देता हूँ, तो इसे निकाल लेता हूँ बाहर इसके तारों को। और ये देखिए, ये 5 वोल्ट के लिए मैं यूज़ करता हूँ इसी का। और देखिए, ये फटाफट से इसमें कनेक्शन करके बजाते हैं। देखिए, मैंने इसमें कनेक्शन कर दिए हैं और अब हम इसमें सॉन्ग प्ले करके देखेंगे। पहले इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, ये मैं ब्लूटूथ से खोल देता हूँ अपना वाला, और इसके ब्लूटूथ का नंबर है 3.0। देखिए, 3.0 शो कर रहा है, तो इस पर हम जल्दी से फटाफट से क्लिक करके और इसे पेयरिंग कर देते हैं। तो पेयर हो जा भाई, थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए, पेयर हो गया है। अब हम फटाफट से सॉन्ग प्ले करते हैं, ये देखिए, और वॉल्यूम फुल। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने छोटा सा पीस रखा और ये वाइब्रेट कर रहा है। ये देखिए, तो देखा आपने कितने अच्छे से काम कर रहा है और कितनी बढ़िया आवाज़ है। आप लोग बाहर से स्पीकर लाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, इससे बढ़िया आप घर पे बनाइए और लंबे समय तक चलाइए, कोई भी दिक्कत हो तो उसे दोबारा रिपेयर कर लें। आप इसे चाहें तो किसी बॉक्स में अच्छे से रख के उसे बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ सर्किट बना के दिखाया कि आप इसे कैसे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच मोर वीडियोज़। सो थैंक यू वेरी मच।